ये अमल मेरे गुमान में आज तक आम नहीं हुआ शायद, मेरा ख्याल है। एक आध दफा मैंने बताया, लोगों ने किया, आपको शायद मुशाहदात मिले होंगे, मुझे भी चंद ही मुशाहदात मिले हैं। दूसरे लफ्जों में यह अमल आम नहीं हुआ। कहा कि आपके दस में सुना था, जो शहद अल्लाह वाली आयत 101 दफा पढ़ेगा, रुख्सती से पहले दुल्हन के जोड़े पर छिड़केगा, उसको ससुराल में बेपनाह इज्जत और एहतराम मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा, नफरतें और झगड़े नहीं होंगे। मेरे जोड़े पर छिड़क कर मेरी रुख्सती हुई, कमाल है। मेरे जोड़े पर छिड़क कर, जो जोड़ा मैंने पहना हुआ था, दुल्हन कह रही है, मेरे जोड़े पर छिड़क कर ये आयत 101 बार, कौन सी आयत? अनमोल खजाने में ये आयत है, सूरत आले इमरान की दो आयतें हैं, शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाह से कहां तक? हिसाब तक। ये दो आयतें हैं, दुल्हन को रुख्सत करते हुए, बेटी बहन को घर से रुख्सत करते हुए, अगर इस आयत को खुशु ध्यान तवज्जो से 101 बार पढ़ें, 101 बार पढ़ें इस आयत को, और उसके कपड़ों पे पानी पे छिड़क दें। और एक पते की बात बताऊं, मेरे खुद हुजूर ने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम को जब रुख्सत किया था सैयदा फातिमा को, तो हुजूर ने भी पानी पे पढ़ के उन दोनों पे दम किया था और उन दोनों पे छिड़का था। पानी पे पढ़ के दम भी किया था और उन दोनों पे छिड़का था, छिड़का भी थे, छिड़का था, दोनों पे छिड़का था। और ये ताकतवर अमल है। मेरे हुजूर ने क्या अमल छिड़का था, आपको यह अमल बता रहा हूं। मावजतैन थी और अमल थे, आपको ये अमल जो आज का अमल बता रहा हूं वो ये है, सूरत आले इमरान की अगर ये आयत ढूंढनी हो, अनमोल खजाने में मौजूद है। अनमोल खजाने में पहले सूरत फातिहा, फिर आयतुल कुर्सी, फिर ये आयत है तीसरी, शहद अल्लाहु अन्हु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइक सरीउल हिसाब तक। अब ये अमल क्या है, जो शख्स इस शहद अल्लाह को आयत को 101 बार अव्वल आखिर दरूद पाक और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पे दम करके इसको छिड़क देगा, दम करें और दुल्हन के कपड़ों पे छिड़क दें और उसके ऊपर छिड़क दें, तो क्या होगा? ससुराल में बेपनाह इज्जत, वकार, एहतराम, मोहब्बत, प्यार, आपस में उल्फत, मवद्दत और खैरें मिलेंगी, खैरें मिलेंगी। क्यों? अब ये हिफाजत में आ गई है, अब ये हिफाजत में आ गई, अब ये हिफाजत में आ गई। अब सुने हिफाजत का अमल एक गौर से जरा। एक रोज करवाते हैं कि मैं सफर में था, जंगल में जा रहा था, सफर में, तो कहते मैं जंगल में जा रहा था तो रात को एक जगह सो गया, जंगल था कोई हिफाजत की जगह, सो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये दुल्हन हिफाजत में क्यों आती है इसको जरा गौर से सुनिएगा, एक दलील से पेश कर रहा हूं। कहते हैं मैंने आंख खुली और आंख खुलते ही मैंने दो बंदों की बातें सुनी, दो बंदों की बातें सुनी और बातें अजीब सुनी, जरा वो बातें भी सुन ली। एक जिन दूसरे जिन से कह रहा था, एक शैतान शरीफ जिन था, एक शरीफ था भले मानस था, जो शरीफ था वो कहता इस जो सोता आदमी है इसको तकलीफ दे, इसको परेशान करे, इसको अजियत दे। कहने लगा क्या तुझे तकलीफ दे रहा है, ये क्या गम दे रहा है, तो क्यों इसको क्यों अजियत देता है, इसको तो क्यों परेशान करता है, क्यों परेशान? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसको तकलीफ दूंगा ही दूंगा, इसको तकलीफ दूंगा। अब ये कहने लगे मैंने सुना था जो बंदा ये दो आयतें पढ़ लेगा, अल्लाह उसकी शरीर जिन्नात शयातीन जादू जिन्नात हसद बीमारियां तकलीफों से हिफाजत करेगा।
कहा कि मैंने सोते सोते ये आयत पढ़ ली और एक दफा पढ़ी सिर्फ एक दफा जो है पढ़ा। अब वो शरीर जो बदमाश जिन था, वो शरीफ जिन से भले मानस जिन से कहने लगा, जो शरीफ जिन था वो कहने लगा, देख तुझे कहा था इसको न छेड़, जिसने अब एक ऐसी आयत पढ़ ली है अब तेरी और मेरी ड्यूटी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत कर। मेरा रिश्तेदार कहता है जो बंदा 101 बार ये आयत पढ़ेगा, 101 बार ये आयत पढ़ेगा, 101 बार ये आयत पढ़ेगा, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा, अल्लाह करीम मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, मेरा दिल है, मेरा विज्ञान है, मेरी कैफियात है और सच्ची है, फरिश्तों की हिफाजत में उसे दे देता है कि फरिश्तों इस बंदी को अपनी अमान में रखो, अपनी हिफाजत में रखो, इसको इज्जत भी दो, वकार भी दो, शान और शौकत भी दो, हर जादू से, हर जिन से, हर नजरबद से, हर तौहीन से, हर जिल्लत से, हर गुमराही से इसको बचाओ अल्लाह करीम उसको। और कहा कि आज मुझे बेपनाह इज्जत है और मेरी शादी को मेरी इस कदर इज्जत मिली ससुराल और शोहर के नजरों में कि आगे लफ्ज सुने उस खातून ने क्या लिखा है। कहा मैं खुद शर्मिंदा होने लगती हूं कि मैं तो इतनी इज्जत के काबिल नहीं थी जितनी मुझे इज्जत मिल रही। अब बताओ बेटी और बहन को ससुराल के घर में जाके इज्जत मिले, आज तो आग लगी हुई है। आज भी ये अमल कर लें और अपने ऊपर छिड़क लें और छिड़कते रहें और वक्तन फक्तन ये अमल करते रहें, इस आयत इन दो आयात के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत कुव्वत है और बहुत कमाल है, बहुत ताकत है। ये मैं ख्वातीन को अमल दे रहा हूं और जो मर्द किसी अल्लाह की बंदी से आजिज आ गया है वो अपने लिए कर ले, और मैं कहता हूं बीवी कर ले, अपने ऊपर भी छिड़क ले और मियां बीवी छिड़क ले। अब अगली बात एक उससे भी अनोखी है, जो औरत कहती है अल्लाह मेरा शोर है ही नहीं, मैं कहता हूं इस नियत से छिड़क ले तो शादी हो जाएगी। जो जवान कहता है या बूढ़ा कहता है अल्लाह मेरी बीवी है ही नहीं, वो इस नियत से छिड़क ले तो बीवी मिल जाएगी।